हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जनरल साइंस का डिस्कशन करेंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अभी आता है, लेकिन पहले हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 11 का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यह सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यह सेट PDF के रूप में चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, यह सेट PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेट नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। गैस में जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको किस प्रकार के तरंग से नाम जानते हैं? तो अनुप्रस्थ, आगे बढ़ते हैं, अनुदैर्ध्य होता है, यानी कि 1 का बी होगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? अगर ठोस, द्रव, गैस इस तरह के ऑप्शन है तो ठोस में होती है, अर्थात 2 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शांत जलाशय में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे होती है। शांत जलाशय में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे होती है, तो ए है अनुदैर्ध्य, बी है अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ होती है, अर्थात 3 का बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप तरंगे निम्न प्रकार की होती है। भूकंप तरंग यानी भूकंप द्वारा जो तरंग उत्पन्न होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, हाँ अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से ही जानते हैं, 4 का ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन पर ये रीटर, बी में है न्यूटन, सी में है बैकुलर, तो बैकुलर किया था, 5 का सी आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत VVI क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है तो आवर्त काल बराबर क्या होता है? तो मैं बता दूं, फॉर्मूला होता है T=1/f, तो T 1/f, तो 1/400 करिएगा और जब 1/400 को पॉइंट में लाइएगा तो आपका आंसर होगा 0.0025 सेकेंड, अर्थात 6 का डी होगा। 7 क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यह है, यदि किसी स्प्रिंग कमानी को दबाकर छोड़ दिया जाए तो उत्पन्न तरंग किस प्रकार का होगा? यानी कि स्प्रिंग में दबाने के बाद किस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में अनुदैर्ध्य, बी में है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य ही होता है, 7 का ए होगा। 8 क्वेश्चन कह रहा है, पारा स्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पारा स्रव तरंगों को सबसे पहले न्यूटन ने नहीं, गाल्टन ने उत्पन्न किया था, 8 का बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रडार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होता है? तो रडार की कार्य प्रणाली, ऑप्शन को पढ़िए, तरंगों का अपवर्तन पर, नहीं आगे पढ़ते हैं, डॉपलर प्रभाव पर, आगे पढ़िए, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर, यही सही है, 9 का सी आंसर होगा। 10 नंबर में कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, ऑप्शन पढ़िएगा, 220 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड होगा, 10 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं 11 की ओर। 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किस पर होगा? ऑप्शन देखिए, ए है 0 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, बी है 20 डिग्री सेल्सियस पर नर्म वायु में, तो यही आंसर होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर नर्म वायु में, नम वायु में, अर्थात 11 का बी होगा। 12 अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप की बढ़ोतरी पर ध्वनि के वेग में वृद्धि होगा, तो ए में है 1.0
सेकेंड, बी में है 0.01 मीटर पर सेकेंड और सी में है 0.61 मीटर पर सेकेंड। बहुत VVI क्वेश्चन है, तो 12 का आंसर सी होगा। 13 कह रहा है पारा स्रोत रंगों की आवृत्ति होती है, तो पारा स्रोत रंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक पारा स्रोत और 20 हर्ट्ज से 20,000 तक अस्रोत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 13 का ए। 14 अगर क्वेश्चन देखिएगा, अस्रोत रंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यही ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, इसी फ्रिक्वेंसी के रेंज को हम लोग सुन सकते हैं। 15 कह रहे हैं मनुष्य सुन सकता है, तो वही है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, अर्थात 15 का बी होगा। 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ऑप्शन को पढ़िएगा, ए में लोहा में, बी हवा में। हवा में नहीं हो सकता है क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग हवा में नहीं उत्पन्न होता है। 16 का बी होगा। 17 अगर क्वेश्चन को देखिएगा, तरंग का वेग भी आवृत्ति एन को भी कहीं एफ में भी लेते हैं, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा में संबंध दिया गया है, सही क्या होगा। तो भी इजकल टू एन लेमडा, यानी कि यही सही आंसर है, 17 का ए होगा। 18 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए, ध्वनि स्वर का पीच निर्भर करता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन को पढ़िए, आयाम पर, बी में है आवृत्ति पर, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, 18 का बी होगा। 19 क्वेश्चन अगर देखिएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होता है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम ऑप्शन पढ़िए, वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात अर्थात स्टील में ही होता है, 19 का डी। 20 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, किस किरण में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, तो ऑप्शन पर ही अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा में होती है सबसे अधिक, 20 का सी होगा। 21 का रहा, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक दल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए, तो 21 का 56 फीट, अगर मीटर में रहता है तो 17 मीटर होता है, लगभग 17 मीटर, और फीट में है तो 56 फीट, यानी कि 21 का बी आंसर होगा। 22 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत VVI है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि दबाव बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है 664 मीटर पर सेकंड, बी में है 332 मीटर पर सेकंड, तो 332 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि दबाव से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 22 का बी होगा। 23 देखिएगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा, तो 23 में ऑप्शन पर ये हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा, लोहा में होगा, 23 का डी होगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा, वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, 24 ऑप्शन को पढ़िए, तापमान के बढ़ने से घटता है, नहीं, तापमान के घटने से बढ़ता है, नहीं, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, और उसके बाद है तापमान के घटने से घटता है, यही सही है, 24 का डी होगा। 25 प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, 25 का ए होगा। 26 अगर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकता है,
ऑप्शन पर यह ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस माध्यम में, निर्वात में नहीं चल सकता है, अर्थात 26 का डी होगा। 27, निम्न में से किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो 27 का ऑप्शन है रेडियो तरंग, बी में है सूक्ष्म तरंग, सी में है अवरक्त तरंग, अर्थात 27 का सी ऑप्शन सही होगा। 28, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो 28 का सी यानी ध्वनि शून्य में नहीं करता है, यानी निर्वात में नहीं करता है, 28 का सी होगा। 29 का है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है वह साउंड से संबंधित है, अर्थात 29 का ये होगा। 30, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, बहुत VBA क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन को पढ़िए, चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति, तो आवृत्ति इसका आंसर होगा, अपरिवर्तित रहती है। हम लोग जनरल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें 4 से 5 MCQ क्वेश्चन है, उसमें भी फिजिक्स का कर रहे हैं, फिजिक्स का सेट नंबर 11 हुआ है, 30-30 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन है। आप लोग भी सहयोग करिए क्योंकि PDF का अलग से आपको फी नहीं लिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए। ओके, बाय बाय।